सरगम गीत होगा। ठीक है, तो सरगम गीत को सबसे पहले आपको इस तरह से तैयार करना है। जब सरगम गीत आपका अच्छे से इस तरह ताल पे बजने लगे, फिर आप बंदिश पे जाएंगे। जब तक सरगम गीत इस तरह तैयार नहीं होता, तब तक बंदिश को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और बंदिश को भी सरगम गीत पर गाने के लिए आपको पहले उसको प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा स्लो में, उसके बाद ही ताल पे गाना है। ठीक है, अब आइए बंदिश को देखते हैं, इस पे किस तरह से हमारी बंदिश आएगी। बंदिश भी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप सरगम को तैयार करें, जैसा मैंने बताया आपको। जब आपकी सरगम अच्छे से तैयार हो जाए, फिर आप बंदिश पे जाएं और फिर बंदिश को अच्छे से तैयार करें। तो इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया से तरीके से आप ताल में उसको गा पाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि जितनी आप मेहनत करेंगे, ये आपकी सिर्फ मेहनत से ही आएगा, और जितना आप इसे दूर भागेंगे उतना ये आपसे दूर भागेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस थोड़ा सा हमें जहां तक याद कर लिया और बस हम सोचे कि उसको हम बजा लेंगे। जब भी आप कहीं स्टेज पे बजाएंगे तो आपसे वो बजेगा ही नहीं, वहां पे आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपने यहां तो उसको जहां तक याद कर लिया, और स्टेज पे तो आप जब भी उसको गा पाएंगे जब वो चीज आपके गले में अच्छे से बैठी होगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।